नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजी। सो हमारे साथ फिलहाल मौजूद है ऑटो वाले अंकल अशोक से। आपका स्वागत है बॉलीवुड क्रेजी में। आपसे यही पूछना चाहूंगा, आपने 777 चार्ली फिल्म देखी, आपकी क्या राय इस फिल्म को लेकर, और काफी खुश है, क्या कहना चाहेंगे? खुश तो हूँ, अभी आपको मैं दिखा दूँ, वहाँ पे देखो एक बैठा हुआ है, देखो वहाँ पे देखो, वो देखो आप, थोड़ा लंबा आप देख लीजिए बैठा है। ऐसे ही कितने जो हैं रोड के ऊपर आपको दिखेंगे, जो कि जिनका घर नहीं है, सहारा नहीं है, मतलब कोई उनको पूछता नहीं है, लेकिन वो अपनी जुबानी कुछ नहीं बोलते। ये ऐसे जानवर है, एक बार आप उन्हें कुछ खिला के देखो तो मालूम पड़ेगा उनके अंदर कितना प्यार भरा है। भले ही ये फालतू हैं, चाहे कुछ भी है, रोड पे घूमते हैं, तो उनकी भी इच्छा है, जब वो किसी कार में कोई अगर डॉगी देखते हैं तो उसको भौंकने लगते। क्यों भौंकते? क्योंकि वो चाहते हैं कि मुझे भी कोई गाड़ी में लेके। तो मूवी अच्छी है, मैंने देखी, बहुत ज़बरदस्त है मूवी। और इसके अंदर ये बताया गया है कि जो इसके अंदर हीरो जो है पूरा, मतलब है उसके दिमाग में वो पीते खाते रहता है, सिगरेट पीते रहता है, मतलब उसकी लाइफ एकदम ख़त्म हुई रहती है, लेकिन वो डॉगी आने के बाद जो है उसकी लाइफ चेंज हो जाती है। तो रक्षित शेट्टी फिल्म के हीरो है, उनका डबिंग भी उन्होंने खुद किया है हिंदी में। हाँ। तो क्या लगता है, उनका रोल अच्छा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जो जिस हिसाब से उन्होंने रोल निभाया बहुत अच्छा है और सही तरह से निभाई। थोड़ी सी ये प्रॉब्लम हुई कि थोड़ी मूवी बड़ी बना। अदरवाइज बाकी ठीक है। हाँ, बाकी सब ठीक है। और ये है कि मतलब अगर हर एक डॉगी जो है, मतलब अगर कोई खाना मांगता है तो हर एक इंसान को समझना चाहिए, इसमें ये नहीं है, हर एक इंसान में भी खराब होता है, डॉगी में भी खराब होता है, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन ये भी अपने अपने घर ढूंढते हैं। आपका फेवरेट सीन कौन सा है फिल्म का, जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है या आपको रोना आ गया? हाँ, रोना ये आ गया कि जब ऋषिक शेट्टी को जो है, मतलब उन्हें चक्कर आता, गिर जाता है, और डॉगी जो है उन्हें ऐसा ऐसा करता है, तो मतलब उठाने की कोशिश करता है पैर से, फिर उसके बाद एम्बुलेंस आती है, उसे लेके जाते हैं, उसके पीछे पीछे भाग के जाता है, और वो कांच के ऊपर ऐसा ऐसा करता है, तो वो बोलता है कि सर ये डॉगी इसके पीछे, इसका कोई रिश्तेदार नहीं, ये डॉगी इसके पीछे पीछे भागता है। अच्छा जी, बिल्कुल। फिल्म में आखिर में यही मैसेज देने की कोशिश की गई है कि अगर आप डॉग लवर हो तो आपके लिए फिल्म, और नहीं भी हो तो आप बन जाओगे। क्या लगता है आपको, भी ऐसा अंदर से लग रहा है कि यार अब डॉग वगैरह को एक अलग नजर से लोग देखेंगे पिक्चर देखने के बाद, और या मैं भी गोद ले लूं? देखिए, पहली बात क्या है, डॉगी का जो मतलब है, जो इससे प्यार करते हैं और जो पाल के रखे हैं, आज के बाद जो है जहाँ पे जो 20,000 का डॉगी है वो 30,000 का बिकने लगेगा। ये जो बेचने का जो व्यवसाय करते हैं, जो डॉगी का मतलब दुकान बिकान रखे, उनका बिजनेस ज्यादा हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि प्यार इसमें बढ़ जाएगा। अभी मुझे भी एहसास है, तो मैं भी सोच रहा हूँ, मैं साथ साथ तो गाड़ी के साथ तो लेके नहीं घूम सकता, लेकिन एक डॉग और एक इंसान के अंदर कितना प्यार होता है वो इसमें देखने को मिला है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज जो नोटिस करने वाली बात है, जो हमारी सोसाइटी में की ही बात है, जिसे उसमें लिखा जाता है कि भाई इस सोसाइटी में कुत्ते अलाउड नहीं है, डॉग अलाउड। हाँ, और बहुत सी सोसाइटी में डॉग्स रहते हैं, तो क्या लगता है ये हमारे खुद के ही लोगों का भेदभाव, कहीं पे अलाउड है कहीं पे नहीं अलाउड है, क्या लगता है? तो ये जो है भेदभाव बहुत जगह पे ऐसे देखने नहीं मिले, लेकिन ये जो है जब डॉगी प्यार करने लगता है तो वही सोसाइटी लोग उसे अच्छे मानते हैं। उसके अंदर एक स्मॉल लड़की जो है वो भी मतलब उसे बोलती है डॉगी करके, चोरी चोरी आके उसे मिलती है, और उसे पूरा हैंड शेक करना, मतलब उसे मतलब हाथ मिलाना, वो सब सिखाती है। और इसके अंदर एक चीज ये भी है कि देखो, कई सारे जैसे बड़े बड़े घरों में या कई सारे महल रहते हैं जो, या मालिक जो रहते हैं बड़े बड़े जो बंगले बनाए, तो बाहर लिखा जाता है कि आउटसाइडर या फिर कोई फेरी वाला या फिर कुत्ते अलाउड नहीं है। तो क्या लगता है, हमें थोड़ा सा नर्म बर्ताव करना चाहिए जानवरों के साथ, और थोड़ा सा स्ट्रे डॉग जो पालतू कुत्ते या ऐसे, उन्हें थोड़ा अपनाने की जरूरत है हमें, क्या लगता है? कुछ तो अपनाने की जरूरत है, क्योंकि मैं कुछ साल पहले की मैं बात बता दूं, क्योंकि मेरे साथ खुद घटना घटी हुई है, जब मेरे साथ एहसास हुआ, आज मैं देखा तो मैं ये फील कर रहा हूँ कि काश मैं भी एक डॉगी पालता। जी, क्यों? क्योंकि जितेंद्र के बंगले के पास एक डॉगी था, काला कुत्ता, मैं वहाँ पे भाड़ा छोड़ा, भाड़ा छोड़ने के बाद वो बैठा था, तो मुझे कुछ दया आई, तो मैं दया आई तो एक पार्ले जी लेके उसको खिला दिया। अब मुझे क्या मालूम था
कि ये डॉगी जो है मुझे एक दिन ऐसा मतलब तुझे रिटर्न आने वाला है कि मुझे जो है अलग तरीके से ये मुझे डॉगी दिखने वाला है। फिर 10 दिन के बाद जो है मैं भाड़ा दूसरे मतलब जितेंद्र के दूसरे साइड 5 नंबर साइड में छोड़े, वो कहाँ से ऐसे दौड़ के आया और मेरे गाड़ी में बैठ गया। अच्छा, अब गाड़ी में बैठ गया, मैं बोला अरे 10 दिन ये कौन है, मैं इससे जानता नहीं, कुछ नहीं है, बैठ गया। बैठ जाने के बाद उसके साथ में जिसका वो डॉगी था, वॉचमैन एक बिल्डिंग में करता था, उसने पाला था, तो वो बोला कि ये आपने इसको कुछ खिलाया क्या? मैं बोला मालूम नहीं, बोला ध्यान करो कुछ बिस्किट कुछ। हाँ, मैं बोला 10 दिन पहला खिलाया था, अभी क्यों? तो ये देखो ये बड़ी बात है, तो बैठ गया, बोला अभी ये उतरेगा नहीं। बोला क्यों भाई, मैं तो इसको पहचानता हूँ, तो खिलाया ना। अच्छा। अब इसको जाओ घुमाओ और एक पार्ले जी खिलाओ तब उतरेगा। अच्छा। तो इतना प्यार, देखो उसको जो है मैं एक पार्ले जी लिया और जितेंद्र बंगले के सामने जो पान पट्टी वहाँ लिया खिलाया, फिर उसके बाद वो डॉगी उतरा और गया। तो ये प्यार है, ये डॉगी का प्यार है। तो इन लोग की लाइफ जो है बड़ी नहीं होती, लेकिन ये आपका जो है जितना भी सर दर्द है, जितने भी आपके टेंशन है, ये लेके जाते हैं। अच्छा अच्छा, बहुत, और आने वाले टाइम में आपका अच्छा होता है। बहुत अच्छा आपने बात कही है अशोक सर। आखिर में फिल्म को लेकर जो रेटिंग है वो क्या होगी और पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखो पब्लिक को यही मैं मैसेज देना चाहूंगा, मूवी बहुत सही है, जहाँ कहीं भी आपके शहर में एक थिएटर में या दो थिएटर में, क्योंकि इसे स्क्रीन नहीं मिली, लगी है, वो फैमिली के साथ दिखाओ, आप भी देखो, बहुत अच्छी मैसेज है। इसके लिए जो मैसेज इसको दिया गया है, एक इंसान एक मतलब जानवर से कैसा प्यार, मतलब एक ये है इसके अंदर दिखा है कि आदमी को अगर बीमार होता है तो आदमी कैसा उससे मतलब फील करता है, आदमी एक डॉगी अगर उसको एक कैंसर हो जाता है तो आदमी जब उससे प्यार करता है तो कैसा फील होता है इसके अंदर बताया, क्योंकि डॉगी को जो ये कैंसर हो जाता है लास्ट स्टेज तक उससे मतलब ये ऐसा बताया, हर एक मूवी में एक हीरो हीरोइन का बताता है, लेकिन इसके अंदर एक डॉगी और एक इंसान का बताया, बहुत सही मैसेज है। इस मूवी को मैं 5 स्टार दूंगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अशोक सर बात करने के लिए, धन्यवाद।